आज का जो व्लॉग है वो है कहाँ का? कटास राज। आज हम जा रहे हैं कटास राज। मेरा गला बहुत खराब है, आवाज निकल ही रही है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। 3 घंटे 5 घंटे इस्लामाबाद से हम निकले हैं। तो चलते हैं, मंदिर बना हुआ है, इन्होंने बताया वहाँ पर भगवान हनुमान ज्ञान सूत्र क्या है। तो मिलते भी आप कटास राज में। बाय बाय। अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पर कटास राज। बैग से हम एंट्री करते हैं तो अंदर जाके आपको दिखाती हुई। बाकी अभी इन्होंने हमें रोक दिया और कहा कि मास्क पहन कर आए, मास्क लेने जा रहे हो। अब हम लोग सब ने मास्क पहन लिए है, इन्होंने नहीं पहने, बाकी के मास्क आ रहे हैं। फिर हम अंदर एंट्री करते हैं, बाकी मास्क लेने गए हैं। 5 भाइयों जी ये गा रहे हैं, इसके अंदर 11 साल बनवास के बाद 12 साल बनवास काटा था, सजा काटे थे 5 भाई। अच्छा अच्छा, इसके अंदर जी। और वो दरवाजा बना हुआ जो वो भी ये 5-6 घर ये घर थे, ये उनके घर थे, ये अंदर सुराखों के अंदर। हाँ इनके घर थे, 5 भाई थे ये। चले अब एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर एंट्री हो रही है, अब हम एंटर हो चुके हैं। हदायत बनाए दाखला श्री कटास राज मंदिर, ये भी पढ़ ले जरा। श्री कटास राज में हिंदू की कदमी मंदिर, बुद्ध मत की इबादत गाह, की इबादत सिख मंदिर, महाभारत कथा, इस्लाम दूसरे मजहब की इबादत गाह, की राम कथा है, जुड़ते जरा भी कह रहे हैं कि इबादतगाह में इत्राम कर देते हैं, इसलिए जूते जराबे उतार कर सर ढाम कर इबादतगाह में दाखिल हो। यार पानी किधर है? ये लो आप सारे पढ़ ले, ठीक है हम चलते हैं आगे। लेट्स गो। वैसे वाकई कसम से बड़ी अजीब जगह है, बिल्कुल चेंज जैसे कुछ कभी देखी ना पहले। अच्छा नहीं पता। ये जो बन रही है ये सर इनका अमृत कुंड है। अच्छा, हिंदू अकीदे के मुताबिक शिव जी महाराज जो थे ना, उनकी जो बीवी थी पार्वती, उसकी जब डेथ होती है सीधा में शिमला रोते हैं, उसके 2 आंसू 2 तालाब बन जाते हैं, एक ईयर एक हो गया, इसलिए तालाब उनके लिए मुकदस है। यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और पानी पीते हैं और लेकर भी जाते हैं पीने के लिए। ये इस जगह ये कटास राज, ये हिंदुओं का दूसरा बड़ा मुकाम है। हिंदू यहाँ पर साल में 2 दफ़ा आते हैं, दिसंबर और मार्च में। अच्छा जी, यहाँ पर 4 मज़हब है। पहला मज़हब यहाँ पर हिंदू मज़हब है, दूसरा बुद्धिस्ट है, और तीसरा पर मुगल दौर से पीरियड आया था, और 4 अप्रैल बैरूनी आया। ये 4 मज़हब यहाँ पर आए, ये 4 मज़हबों के यहाँ पर हिस्ट्री अलग अलग है। अच्छा, जो बातें बताऊँगा सर, मेन बातें बताऊँगा उनको पूरी हिस्ट्री, इसकी तकरीबन 6 घंटे 7 घंटे की हिस्ट्री। ठीक हो, ठीक है। ये इसको अमृत कुंड कहते हैं, ये आंसू है उनके ना जी। इसकी जो गहराई थी तकरीबन 40 फुट गहराई थी। अच्छा, अब नहीं है, वाटर लेवल डाउन हो गया, जिसमें डाउन हो गया, बंद हो गया, इस वजह से इसको आर्टिफिशियल पानी से इसको भर रहे हैं। इसी तालाब के ऊपर केस लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, इसमें कुदरती गंदक निकलती है जिसको हम सल्फर कहते हैं, उसकी वजह से इसका कलर जो पानी का नीला होता है। अच्छा, ये सामने 12 दरी हवन कुंड है, यहाँ पर आग लगा के पूजा की जाती है, और वो सामने शिव जी का मंदिर है, वो ऊपर ब्रिटिश चौकी है, पुलिस चौकी। अच्छा, इसकी छत गिर रही है, इस वजह से इसको लॉक किया। इसके अंदर जा सकते हैं मंदिर में? हाँ, इसे उधर ले जाता हूँ। ये जो हनुमान, ये गणेश का मंदिर है जो शिव जी का बेटा है। अच्छा, ये वाला, और ऊपर राम का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, बुद्ध मत के स्तूपक है, सारे सत्यारा का मंदिर है। मतलब हाँ, मैंने एक चक्कर लगाया, 300 साल कबले मुस्लिम इनका जिक्र किया गया। चलो ये क्या है? अमृत कुंड, मुकद्दस चश्मा। ये इसका ओरिजिनल पानी था, ये 2017 में
तुम यार ये तस्वीरें खींचते जाओ आप लोग। श्री शिव जी का मंदिर, यार ये भी कुछ चीजें होगी ना। महाराज भोलेनाथ का मंदिर है, ये स्टोन पत्थर जिसको शिवलिंग कहते हैं, ये पूरी दुनिया में तीन आमना पत्थर के लिए लोग नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, नहीं अंदर नहीं, अच्छा मुस्लिम के लिए अलाउ नहीं है। और यहाँ पर आकर इसको ऊपर आकर ये दूध चढ़ाते हैं, यहीं पर आकर ये अपनी मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी करने वाला वो खुदा होते हैं। पिक्स बना लो, अंदर जाना, नहीं अंदर नहीं जा सकते। वो थे जी, वो सामने शिव महाराज जी के गले में सांप है, वो शिव है और साथ में उनकी बीवी। अच्छा ये ड्रामा भी दिखाते हैं ना। अच्छा ये जला देते हैं है ना, यार आमना की मेरी तस्वीर था। ये मस्जिद को जलाते हैं, हिंदू भी जलाते हैं, सिख भी जलाते हैं, कुछ इनमें लोग ऐसे हैं। नहीं ये जितनी बातें हैं ये जो ये करते हैं हिंदू, ये वाकई कुछ सच भी है इनमें, ये भाई इंसान देख सकते हैं इंडिया से आई होंगे। अच्छा दोबारा ये दिया तो आप रोज जलाते हैं? नहीं वो लोग यहाँ पर जलाते हैं हिंदू। और ये इस पर दूध भी फेंकते होंगे इस पत्थर पे? इसी के ऊपर दूध से स्नान करवाते हैं, दूध से दही से एक या किसी जानवर को मारता है इस वजह से। चलो जी थोड़ी सी इधर हो जाओ। नहीं हमने तस्वीर भी नहीं खिंचवाई यहाँ पर, आ जाओ। ओह यार एक मिनट रुको, मुझे जाने दो यहाँ जिन्नात होते हैं प्लीज। जब ये लोग यहाँ पर रहते थे उस वक्त यहाँ पर मुसलमान बहुत, यहाँ पर जा सकते हैं चले जाए, उस वक्त यहाँ पर मुसलमान बहुत कम थे, यहाँ पर उस वक्त ही अपने साथ खड़े थे शादियाँ करते, क्योंकि पूरा एरिया जो है ये हिंदुओं का था। ये कितने साल पुरानी जगह है? ये बेसिकली 300 साल पहले मुस्लिम इसका जिक्र है, ईसा अलैहि सलाम से 300 साल पुरानी जगह इसको। तो फिर उसके बाद कुछ रिपेयर नहीं किया आप लोगों ने? ये रिपेयर किया गया 2002 में काम शुरू हुआ। ये जो दीवारें इनको रिपेयर भी किया गया, मूंगी की दाल की दीवारें, इनमें चूना दालें नमक मिट्टी और इमली का पानी इस्तेमाल किया गया। ये जो पत्थर है पेंजू स्टोन पत्थर, ये समुद्र की जहाँ का पत्थर बनता है, ऐसा महसूस होता है जैसे इसमें हड्डियाँ भी हैं। लग रहा हड्डियाँ है ना, टेम्परेचर होगा यहाँ पर, आपको एसी की रिटेल जरूरत नहीं पड़े किसी भी मंदिर में। अच्छा वो मूंगी की दाल का क्या सिस्टम है बताया तो? इसके अंदर डलती है इस वजह से, तो इसकी जो मजबूती है वो 50 साल के बाद शुरू होती है। यार छोटे छोटे क्लिप बनाए, ये वही है ना चश्मा? 40 फुट है, कह रहे अब नहीं है पहले था, वो पेमाइश है सामने को देखो, कह रहे वो अपने वो ऊंचा हो गया ना। बारादरी हवन इनका पुराना है, यहाँ पर इतनी बात कर, उसके बाद जो हुकूमतें आई है ना जैसे वो मुगलों की, क्योंकि चार फिरकों में तकसीम हुआ ना, यहाँ पर रहते थे वो हिंदुओं का कॉलेज था, इसमें हिंदी पढ़ाई जाती थी उस कॉलेज में। अच्छा अलबरूनी जो था वो मुसलमान था? वो एक मुसलमान अरब से आया था, उसने सिर्फ पूरी दुनिया का जो सेंटर मालूम किया था वो किया था, यहाँ पर उसने बैठ कर किताबुल हिंद लिखी थी हिंदुओं के बारे में, और जो डायमंड तैयार किए थे वो यहीं पर बैठ के किया था, लेकिन उसने नापा पिंड दादन खां में जेल में जाकर था, नंदनागो बागों वाली, वहाँ पर अभी भी कॉलेज है जो अलबरूनी के नाम से चल रहा है। क्या बात, कितनी ज्यादा सीढ़ियाँ ना, उफ इतनी सीढ़ियाँ। लेकिन क्या यहाँ से था वो? अच्छा हनुमान ही रहता था, ये उसका मंदिर है। ये खोल के दिखाएंगे भेड़े, मैं दिखा देता हूँ भेड़, कोई मत नहीं है भेड़े मानने वाले, ये उनकी रियासत खोल दे।
वो फिर नहीं आए। इसमें भेड़े हैं ये पीले रंग के। हाँ खोले हम दूर से बना गए। अंदर लाइटें नहीं है वहाँ होते थे उनका वो सामने जगह बनी है वो बैठते थे सर वहाँ पर उनका स्टैचू होता था बैठते नहीं थे सिर्फ खाली स्टैचू होता था वो उठा के ले गए मूर्ति होती थी वो कोई ले गए अब ये लोग इंडिया से आते हैं उस वक्त यहाँ पर स्टैचू रखा जाता है और इसी वक्त ही यहाँ पर बात होती है। ठीक है बंद कर देंगे दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर में जा रहे हैं इनके ये खोलेंगे किधर आ सकते अंदर ये श्री रामचंद्र का मंदिर है ये अंदरों रास्ता बड़ा जो उनकी देवी जी दर्शन स्नान करने के लिए खुला ही जाती है ना नहाने की जगह है अंदरों रास्ता बड़ा बड़ा बनी हुई है स्नान करने के लिए तालाब पे जाते हैं ये वो रास्ता ऊपर को सेंटर में इनकी रिहायश है पांच कमरे बने हुए हैं पेड़ का मंदिर है यहाँ पर स्नेक कोबरा की पूजा की जाती है और ये सात कमरे बने हुए हर कमरे में स्टैचू रखने की मूर्ति रखने की जगह बनी हुई है ये उनके घर उनके मदद के बारे में जाना चाहे तो अंदर से देखते है ना मैं कह रही हूँ ना यार नहीं बड़ा खौफ आ रहा है चलो ऊपर चले चलो ऊपर चलो यार तुम लोग तो चला गया वो ऊपर अब ऊपर चल रहे जहाँ उनका रूम था क्या था स्कूल था ये नहीं होती वो है यहाँ पर बंदा गायब हो गया नहीं नीचे तो नहीं है नीचे खड़ा गेट पे यार नहीं नहीं वो ही है व्यू चेक करें अच्छा बोल रहा नहीं यहाँ पर ये झंडा लगा होता है सबसे अहम ये है कि वो जो ऊपर वाला मंदिर जहाँ से भी होकर अच्छा वो सबसे अहम है सबसे पहले पुराना वो है जो पहाड़ है बड़ा हुआ गुजमत के स्तूप का कैसा है इसकी जो हाइट थी ऊंचाई इसकी 200 फुट की थी अशोका ने जब अशोका यहाँ पर आया था अशोका ने इस मंदिर को देख के अपना मजहब चेंज किया था वो बुद्धिस्ट हो गया था और मरने से पहले वो फिर हिंदू मजहब में आ गया वो सतगरा मंदिर पाँच लोग और जब वो यहाँ से गए थे जाने से पहले उन्होंने यहाँ पर पूजा की थी और जब अशोक यहाँ पर आया था तो अशोक ने फिर बुद्धा की योगा करवाई थी यहाँ पर इस मंदिर में दोनों साइड में बुद्धा के स्टैचू बने हुए हैं एक साइड पर वो खड़े और एक साइड पर वो बैठे हुए हैं स्टैचू पड़े हुए अभी भी लेकिन वो बाहर की साइड पे कुछ तोड़े हुए हैं लोगों ने पत्थर मार मार तो ये देख सकते हो अगर जाना चाहते आप देख के आ सकते हैं बाहर ही से स्टैचू नजर आएंगे बाहर से स्टैचू नजर आएंगे चलो चलते हैं दीवार के ऊपर लगे होंगे फिर ये हमें हम लोग नहीं आने देते होंगे ना अच्छा तो कुछ तो बात है कि खबर हम बताते हैं कि ये चीज़ ये लगी है अंजीर लगी है ना ये अंजीर है ये जी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ इधर और ऊपर वो हमने वहाँ जाना मंदिर में वहाँ कह रहे मूर्ति भी पड़ी हुई है चलते ऊपर
बूटी की पढ़ाए तो यहाँ पर दरवाज़ा उन्होंने खोला नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था अंदर जो है चमगादड़ होती है, तो इस वजह से उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं, इसलिए हम मूर्ति भी नहीं देख सके। देखो इसके अंदर से अंजीर नहीं है, खुद ही अंजीर क्या है, अंजीर किसी काम की है। ये तो पंसारी को पता होगा। वो ऊपर जगह ना, यहाँ पर वो ये शमशाद घाट है, यहाँ पर जलाते थे ऊपर। हाँ ऊपर वापिस जाएगी, इतनी सीढ़ी उतर के, वो देखो कितनी सीढ़ी है। हम जो है वापस जा रहे हैं और हमारा ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देगा और शेयर भी, और कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अल्लाह हाफिज़।